जय हिंद। आप सभी लोग हमें पहली बार देख रहे होंगे। मेरा काम अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। आप सभी भाई इस वीडियो को देखते हुए जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और देखने के बाद आपको लगे कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ, तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ना कीजिएगा। इसराइल ने फिर से फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। शेख जर्रा फिलिस्तीन में ही एक जगह है। शेख जर्रा के रहने वाले लोगों को शेख जर्रा के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, जबकि शेख जर्रा में उनका घर, गाड़ी, फैमिली मौजूद है। और वहीं अनभक्त लोग ये कहेंगे कि तुम फेक खबर दे रहे हो, तो प्रूफ भी देखो हरमखोरो। ये ऐसे आतंकवादी लोग किसके सपोर्ट में तुम लोग खड़े हो? और गलत को और गलत नहीं कहते, सही को सही नहीं कहते, क्योंकि तुम में पहचान नहीं है। तुम इसको देखो, अब तो विश्वास हुआ होगा तुम्हें। और इसराइली आतंकवादियों को बिल्कुल ठाट तरीके से अंदर एंट्री दी जा रही है शेख जर्रा के अंदर। और ये एंट्री देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, इसराइली फोर्स से इस तरीके से स्वागत कर रही है कि आप देखिए किस तरीके से उन्हें एंट्री दी जा रही है। पूरे गुट जा रहे हैं उनके, उन्हें स्वागत किया जाता है। और जिनका वहाँ घर, गाड़ी मौजूद है, उन्हें जाने अंदर नहीं दिया जाता। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसके बावजूद भी अनभक्त लोग गलत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अनभक्त चमनचूतिये लोगों से मैं कहूँगा कि आँखों से अपने काली पट्टी उतार के फेंक दो और सही का सपोर्ट करो। इसराइल के खिलाफ हर देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा इंडिया ही नहीं, हर बल्कि पूरा वर्ल्ड फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि सही का सपोर्ट सभी करता है। फिर इसराइल का विरोध तो यहूदी गुरुओं ने भी किया है। तो अब अनभक्त लोग, कुछ चमनचूतिये लोग हमारे देश के रह गए हैं, जो अभी भी इसराइल का ही सपोर्ट करने में जुटे हुए हैं। आप एक और वीडियो देखिएगा, किस तरीके से एक कपल, किस तरीके से वो पूरे गन के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। मगर इन पे कोई मजाल कि जो इन पे कोई कार्रवाई हो जाए, इनकी गिरफ्तारी हो जाए? नहीं, ये आतंकवादियों के राह चल रहे हैं। लंबे लंबे पैरों से घुलते टहलते नजर आ रहे हैं। वो भी छोटे कोई पिस्टल नहीं, बल्कि इतने बड़े गन है भाई। कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये आतंकवादी लोग हैं। ये इन लोगों से कौन भिड़ेगा? तो इन लोगों से तो सभी डरते हैं ना। कौन जाता है इनके बीच में? जैसे हम लोग के पॉकेट में सभी के फोन होते हैं, इन लोगों के हाथों में गन होते हैं, और इसके ही सपोर्ट में अनभक्त होते हैं। तो अनभक्त लोग, अपने आंखों से पट्टी उतारो और सही का सपोर्ट करो, क्योंकि गलत गलत है। और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों को इस तरीके से चेकिंग की जा रही है जैसे कि वो आतंकी है। इस तरीके से उससे सलूक किया जा रहा है। ये देखिए कि क्या हाल है, क्योंकि फिलिस्तीनी लोगों के पास कुछ नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। सिर्फ उनके पास अगर कुछ है तो पत्थर के अलावा कोई गन, कोई बारूद, कोई तोप नहीं है। मगर गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के आतंकी बताने में जुटी हुई है। तो अनभक्तों, तुम लोगों सही का सपोर्ट करो। और ये है ना इज़राइल, इज़राइल तो 1948 से बना है और फिलिस्तीन ही था पूरा। इसका बायोडेटा पूरा पढ़ो, तब तुम जानोगे। चमनचूतिये लोग, तुम लोग सही का सपोर्ट नहीं कर सकते, मगर तुम गलत का भी तो सपोर्ट ना करो, यही बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।